रहे हैं एग्जाम टूर, टीचर भर्ती को लेकर, यानी टीचर TRE3 जो रद्द हुआ था, जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ था आर्थिक अपराध के द्वारा, उस पर भी अपडेट दिया गया है। और साथ ही साथ जो बिहार में नीट का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, नीट का जो प्रश्न पत्र लगातार देख रहे हैं, कंकड़बाग से कई सारे डॉक्टर पर पड़ रहा है प्रभाव, इन प्रश्न पत्र आउट कराने के मामले में उनको बैठकर सॉल्व कराया गया था, यानी सोल्यूशन कराया गया, इन सारे चीज को लेकर EOU के द्वारा, यानी बिहार के आर्थिक अपराध टीम के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, इसको समझेंगे और जानेंगे। और एक बात बता दें, TRE3 की जो तैयारी कर रहे हैं, TRE3 का इससे पहले जो एग्जाम दिए वो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए क्या है कैसे है यहां पर देखेंगे। यहां बताया जा रहा है BPSC TRE3 के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा, यानी कि EOU के द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, इस खुलासे को समझेंगे, क्या क्या हो सकता है, अभी क्या क्या होना बाकी है, कौन कौन इसके जद में आ सकते हैं, सब कुछ इसमें बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहां आइए, BPSC TRE3 के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा, अंतर्राज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मास्टर माइंड डॉक्टर शिव कुमार, यानी कि ये डॉक्टर शिव कुमार दिया गया था अब घटना का अंजाम। अब यहाँ पे देखिएगा, उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 मार्च 2024 को आयोजित BPSC शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण यानी TRE 3.0 के पेपर लीक मामले में आर्थिक इकाई यानी आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा गठित विशेष टीम द्वारा जांच के क्रम में, यानी दिनांक 14/3/2024 को पटना एवं 15/3/2024 को हजारीबाग झारखंड में छापेमारी की गई थी, यानी कि 14 तारीख को पटना में और 15 तारीख को हजारीबाग, जो कोहिनूर बैंकेट हॉल है वहां पे, हजारीबाग झारखंड में छापेमारी की गई, जिसमें पेपर लीक से संबंधित अभियुक्त एवं अभ्यर्थियों को, यानी अभियुक्त जो उसमें लगे हुए थे अभ्यर्थियों को सहित कुल 266 गिरफ्तार की गई थी। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना थाना, कांड संख्या देखिएगा तो 06/2024 दिनांक 16/3/2024 धारा, यहां पे धारा बताया गया है 40, 468, 471 और 120 बी, यहां पे लगाया गया था, एवं 3/10 बिहार नियंत्रण अधिनियम 1981 व 66 IT Act 2000 दर्ज किया गया था। इन लोगों पर यही सब धारा लगाया गया था जो दर्ज किया गया था, कई एक धारे का अलग अलग महत्व है, इस पर भी चर्चा किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। देखिए, कांड के त्वरित अनुसंधान एवं शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के निर्देश में एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक साइबर एवं अभियान आर्थिक अपराध इकाई के बिहार पटना द्वारा किया जा रहा था। गठित विशेष टीम द्वारा अग्रतर अनुसंधान, पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ, असूचना संकलन, तकनीकी एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के क्रम में पाया गया कि घटना का मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार उर्फ शिव उर्फ बिट्टू पोस्ट एक बार देखिएगा संजीव कुमार के गिरफ्तार द्वारा प्रश्न पत्र लीक कांड को अंजाम दिया गया। संजीव कुमार एक है उनके द्वारा, आप इसका नाम बार बार सुन रहे होगा, एक डॉक्टर शिव और संजीव का। और यहां पे देखिए, तत्काल कई टीमों को इसकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है। डॉक्टर शिव पूर्व में भी 2017 में NEET UG के परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड का अभियुक्त रहा है, यानी कि जो शिव है वह 2017 का NEET UG का प्रश्न पत्र का भी अभियुक्त रहा है। और यहां पे देखिएगा TRE3 का भी अभियुक्त रहा है, अब ये NEET का अभियुक्त रहा है, परीक्षा लीक कांड का अभियुक्त रहा है। इस संदर्भ में पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 224/17 दिनांक 7/5/2017 को दर्ज है। पत्रकार नगर थाने के कांड में इसका सह अपराध कर्मी शुभम मंडल उर्फ शिव मंडल पोस्ट सुशील मंडल सह खगौल अफसर कोलनी थाना खगौल जिला पटना के साथ यह लगातार कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक फर्जीवाड़ा के कांड को अंजाम देता आ रहा है। इसी वर्ष राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड में इस दोनों की संलिप्तता सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं अन्य कई राज्यों में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आगे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, तार जुड़े हुए हैं इनों का, मतलब ये शुरू से यही काम है जो ये डॉक्टर शिव और संजीव चौरसिया है,
इससे पहले जाइएगा तो 2017 में भी ये लोग कांड कर चुके हैं, 2017 में भी नीट यूजी का प्रश्न पत्र ये, और अभी भी नीट यूजी का जो ये प्रश्न पत्र का बात सामने आ रहा है, इस बार भी जो एग्जाम हुआ है उसका भी प्रश्न पत्र का लगातार पेपर में, सोशल मीडिया पर और सभी जगह देखिएगा इन्हीं लोगों का नाम बताया जा रहा है। और इससे पहले आप जाइएगा जब टीआरई का लगातार बात चल रहा था तो उस समय भी बताया जा रहा था ये सब बोला गया, ये लोग बोला कि नीट का भी प्रश्न पत्र आउट कराएंगे, यानी लोग में कितना क्षमता है कि बोल देते हैं और अभी तक ये लोग बचे रह जाते हैं। 2017 का भी ये कांड अंजाम दे दिया है, यूपी पुलिस में भी इसकी संलिप्तता है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बहुत सारे राज्यों में, तो इन लोगों की कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। और बिहार की जो आर्थिक इकाई टीम है, आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वह बहुत मजबूत है, इस बात को आप समझिए, बहुत सख्त है, इस बात को आपको मानना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध अपराधी हो इससे बच नहीं सकते हैं। थोड़ा सा विलंब हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, इस पर सभी को उम्मीद रखना चाहिए। हर एक पहलू को जांच करने के बाद, परखने के बाद जो भी कोई भी इसमें लगे हो उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो फिर जीवन में अपने आप को इस क्षेत्र में आने की कोशिश न करें। एक देखिएगा, एक टीचर का प्रश्न पत्र आउट कराता है बेटा, तो बाप नीट का प्रश्न पत्र आउट कराता है, या बेटा बाप नीट का कराता है तो बेटा टीचर का, ये सब कैसे चलेगा? यानी उसका खानदानी ये चला आ रहा है कि प्रश्न पत्र ही लिख कर आएंगे, तो उस खानदान को निस्तानाभूत कर देना चाहिए, ताकि फिर से उस खानदान में कोई प्रश्न पत्र लिख कर आने वाले पैदा ना हो, उस खानदान के किसी भी व्यक्ति को यह सोचना ना पड़े। क्योंकि आप भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, वो चाहे नीट की तैयारी करें या टीचर भर्ती की तैयारी करें, जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता है, लेकिन किसी से अपना जमीन गिरवी रख के, अपना मम्मी का गहना रख के और किसी तरीका से पटना कहीं जाकर तैयारी करते हैं, ताकि उनका भी कहीं ना कहीं कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब इस तरीका से प्रश्न पत्र आउट होगा, वायरल होगा, तो क्या होगा उनका? जिनके पास पैसा है वही डॉक्टर बनेंगे, जिनके पास पैसा है वही शिक्षक बनेंगे, जिनके पास पैसा है वही बिहार पुलिस बनेंगे, जिनके पास पैसा है वही झारखंड पुलिस में जाएंगे, जिनके पास पैसा है वही यूपी पुलिस में जाएंगे, वही महाराष्ट्र एमपी सब जाएंगे, तो कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा? इस पर सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए और ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। देख सकते हैं डॉक्टर जो शिव है 2017 से भी संलिप्त है और इसमें भी संलिप्त है, आगे क्या होगा, जिस तरीका से अपडेट आएगा उस पर आप लोगों को बताया जाएगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, किसी भी एजुकेशन से आप जुड़े हैं, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं, या मेडिकल स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, आप जुड़ जाए, आपको सबसे सटीक, सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।